A particle having a charge of 20 electron on it fall through a potential difference of 100 volt. Calculate the energy acquired by it in electron volt. अच्छा हमारे पास चार्ज गिवन है 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जिसके और हमने उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो 100 वोल्ट है। हमें ये बताना है कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्वायर करेगा, मतलब गेन करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसका डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 20 हैं, ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब 20E, सही है। अब यहाँ पे 20E कैसे आया, तो देखिए हमारे पास ना टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne, तो N की जगह 20 रख दे तो Q बराबर हो जाएगा 20E के, सही है। फिर दूसरी चीज वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है 100 वोल्ट, ये आपने लिख लिया यहाँ पे 100 वोल्ट। हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, एनर्जी, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमें, सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही पता है और हमें चार्ज ही पता है, तो हम वर्क डन को बराबर ले लेंगे Q इंटू डेल्टा V के। अच्छा Q W क्या है, वर्क डन है। अच्छा वर्क डन लाजमी सी बात है, जब आप एक किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ना तो वो एक्सिलरेट होगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब किसी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्पीड बढ़ती है तो हम कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब वर्क डन जो होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्यू की वैल्यू है 20E, ठीक है, वोल्टेज है 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 EV, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 2000, और ये क्या आ जाएगा EV। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी।